बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वेलकम टू द कैंटर पब्लिशर्स वीडियो लेसन्स। बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव विथ यू क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक, समर पैक एंड रिसोर्स पैक। रिसोर्स पैक इज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स गाइडेंस। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट फ्रॉम कैंटर पब्लिशर्स ऑफिशियल वेबसाइट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर लेसन फ्रॉम यूनिट 4, हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। SLOs of this lesson are: read silently with comprehension and extract main idea and supporting detail. Express anger and embarrassment. Page number 45 of your textbook, we have a listening speaking section here. Expression to show anger and annoyance. Anger to aapka ho gaya gussa. Annoyance wo jab aap bahut zyada irritate ho jao, tang ho jao, aur gussa jab had se zyada badh jaye. Ye aapke एक्सप्रेशन है। आई कॉन्ट स्टैंड हिम एनी लॉन्गर, डोंट टेक इट आउट ऑन मी, ही फ्लेड अप एट मी, यू आर एन एक्सट्रीमली कनिंग मैन, ओ स्टॉप कंप्लेनिंग, लुक दिस इज गेटिंग अस नो नाउ वेयर, यू आर टॉकिंग नॉन सेंस, दैट इजेंट माई फॉल्ट इज इट, यू आर मीन कनिंग फेलो। कनिंग कहते हैं चलाक को। आई डोंट वॉन्ट टू सी योर फेस। ये आपके अनॉयंस के, यू कॉन्ट गेट अवे लाइक दिस, you can't escape from this, you are responsible for this, why are you losing temper, tum apna sabr kyun kho rahe ho, bardasht kyun kho rahe ho, beware, don't utter it again, utter bolne ko kehte hain, you are very short tempered husile mizaj ko bolte hain, jo bahut zyada gussa ho jata hai, what nonsense, how could you have been so silly, don't try any nonsense with me, I don't care what it. These are the expression of anger and annoyance. जब आप इरिटेट और बहुत ज्यादा गुस्से हो जाते हो तो इस तरह के अल्फाज मुंह से निकलते हैं। The expression to embarrassment. Embarrassment जब आपको शर्मिंदगी होती किसी चीज के बारे में, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिसमें आपको क्या हो, शर्मिंदगी हो, तो इस तरह के अल्फाज हम बोलते हैं। How embarrassing, what an embarrassment. आप एपोस्ट्रॉफी का यूज यहां पर देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। दैट्स अ रियल एम्बैरेसमेंट, व्हाट अ शेम, इट्स माय एम्बैरेसमेंट टू, आई वाज सो अशेम्ड, इट रियली मेक्स मी अशेम्ड, टेल मी इट नेवर हैपेंड, आई वाज सो एम्बैरेस्ड, टेल मी इट डिड नॉट हैपन, आई एम एम्बैरेस्ड, आई फील अशेम्ड, शेम ऑन मी, आई डोंट फील कंफर्टेबल, आई फील ऑकवर्ड, इट्स माय एम्बैरेसमेंट टू, लाइक दीज आर द एक्सप्रेशंस ऑफ एम्बैरेसमेंट। So in pairs, create short dialogues between father and son based on the following situation using expression of anger and embarrassment. Father comes home early from work, unexpectedly see his son playing cricket in the street in school hours. He feels angry about it. And अब आपने क्या करना है, pairs में एक dialogue create करना है father और son के साथ, जिसमें ऐसी situation है। सिचुएशन का क्लू आपको दिया हुआ है इधर दो लाइंस में। आपने गुस्से के और शर्मिंदगी के एक्सप्रेशंस शो करने। गुस्सा कौन हो रहा है, फादर हो रहा है, क्योंकि वो घर आया है काम से जल्दी, और अनएक्सपेक्टेडली उसने देखा कि उसका बेटा जो है गली में खेल रहा है स्कूल आवर्स में, जिस टाइम उसको स्कूल जाना चाहिए था वो उस टाइम क्या कर रहा है, गली में खेल रहा है क्रिकेट। ही फील्स एंग्री अबाउट इट, कौन, फादर फील्स एंग्री अबाउट इट, कि उसका बेटा जो है गली में क्रिकेट क्यों खेल रहा है, और बेटा क्या फील करेगा जब वो देखा कि फादर गुस्सा है, फादर ने देख लिया मुझे, मैं स्कूल नहीं गया, तो बेटा जो है एम्बेरसमेंट फील करेगा। सो वी हैव डिस्कस द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डायलॉग्स टू, सो दिस इज गोइंग टू बी अ फॉर्मल सिचुएशन बिकॉज द फादर इज अथॉरिटेटिव हियर, ही हैज एन अथॉरिटी ओवर हिज सन, सो This will be a formal conversation dialogue here, और dialogue form में होगा, जैसे कि हमने unit 4 में देखा था जर्क और उसकी माँ के दरमियान क्या था, dialogue form था, conversation थी। तो आपने इसी तरह dialogue form create करनी है father और son के दरमियान, और expressions कौन से show करने हैं, anger के और embarrassment के। Situation आपको पहले से दे दी गई है। आप this is your writing section on page number 45. Read silently with comprehension to extract main idea and supporting detail of the following paragraph. Write the main idea and supporting detail in your notebook. What you need to do, you have to read this paragraph here and you have to give it a main idea and
spot out all the supporting detail, the important detail here you can find. Many years ago, people ate food that did not contain preservatives. Moreover, people used to spend a lot of time cooking their own food. Therefore, those people did not have problems by the food that they ate because all the food they ate was natural and healthy. However, nowadays, many people, particularly young people, prefer to eat fast food such as burger, chips, pizza, or fried chicken. As we know that there are two kinds of food, like healthy food and unhealthy food. Your main idea could be a healthy food. Because this paragraph here is about healthy food. And it could be, can you find the specific information here? Yes, food that did not contain preservatives here. It could be your main idea because this paragraph here is about it. Start with it that many years ago people ate food that did not contain preservatives. This could be your proper main idea here of this paragraph. And the supporting details will be people used to spend lot of time cooking their own food. This could be your supporting detail. In the second line, people did not have any problem by the food that they ate. This is also your supporting detail. The food that they ate was natural and healthy. This is also is your supporting detail. So just give it a read and write the supporting details and the main idea in your notebooks. This is your homework from Summer Pack. Write an essay on the following topic and tell from which SLO this question has been taken? The blessing of nature. Blessings of nature? आपने nature की जो जितनी भी नेमतें हैं अल्लाह ताला की तरफ से जो हैं उसके बारे में लिखना है. हमें कौन कौन सी नेमतें nature की तरफ से अल्लाह ताला की तरफ से हमें दी गई हैं. आपने उसके बारे में डिटेल से उसके बारे में ऐसे लिखना है. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.